ये दो गुजराती सब पे भारी होने वाला है। मोटा बाबा है जो अमित शाह है, ये बहुत चतुराई के साथ ये कुछ भी करवा सकता है, कर सकता है। चुनाव आयोग सरकार का नहीं होता, लेकिन ये क्या कहते हैं, सरकार मुझे सैलरी देती है, सरकार मुझे अपॉइंट करती है, सरकार की ही बात सुनूंगा। तो जैसे हम कभी सीबीआई को तोता कहते थे, ये भी तोता बन गया है कि ये आदमी इतना गिरा हुआ, कहीं भैंस कहीं मंगलसूत्र, कभी कहते हैं ये मुसलमानों को ये दे देगा वो देगा, मुसलमान को यहाँ का कोई आबादी नहीं है, मुसलमान को यहाँ का नागरिक नहीं है, आपने हिंदू मुस्लिम में लड़ा करके पोलराइजेशन कर करके अब ध्रुवीय बोर्ड का वोट विद्युतकरण करके जो है हिंदुओं का वोट लेना चाहते थे, अपनी हेकड़ी दिखाना चाहते हैं, यानी कि वही ब्राह्मणवाद वही सनातनवाद। ईवीएम में इतनी चोरी हुआ, ईवीएम 19 लाख गायब हुआ, 40,000 ईवीएम जला दिए गए उत्तर प्रदेश में, सारा गायब हुआ, इस पे नहीं बोल रहा, हमारे देश की सुरक्षा और रक्षा की बात नहीं कर रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित आवाज, और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अहरार पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर एम यू दुआ, जो कि एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं। सर, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। जनहित को नमस्कार, जनता को अभिनंदन। सर, हमारा पहला सवाल ये है कि जो है चुनाव प्रचार बंद हो जाता है 48 घंटे पहले, और ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी गए हैं और वहाँ उन्होंने एक 48 घंटे का उपवास रखा है, जिसको लेके कि आपत्ति भी दर्ज की है कांग्रेस ने, और चुनाव आयोग में जाके उसके खिलाफ एक याचिका भी दी है कि ऐसा उन्हें न करने दिया जाए और टीवी और प्रिंट मीडिया में न दिखाया जाए, तो क्या कहेंगे कि चुनाव के प्रचार खत्म होने के बाद जो वो कन्याकुमारी में ध्यान लगा के बैठे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं जनरल महोदय, ये आचार संहिता का उल्लंघन भी कर सकते हैं, और दूसरी तरफ जो है ये मोदी जी जो नरेंद्र हैं और जो हमारे स्वामी विवेकानंद भी नरेंद्र, तो N A A² कहते हैं, ये N² बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वहाँ से व्यक्तित्व जो ये गुफा में बैठ करके आराधना में साधना में लीन हो गए हैं, और वो ये साबित करना चाहते हैं कि मैं गांधी से कहीं ऊपर हूँ, और गांधी तो राष्ट्रपिता है, मैं जो है विश्व पिता बनना हूँ, और मुझे जो है भगवान का अवतार हूँ। तो ये सोचना चाहिए कि अगर भगवान के अवतार हैं तो आपको प्रधानमंत्री या इलेक्शन से आपको क्या लोभ, क्या लालच है, जब आप जो है आप एक अलग ही निरंकारी हैं, अलग ही आप मोक्ष प्राप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको धर्म कर्म ही लेना है, तो ये सेकुलर देश को, एक जो है धर्म निरपेक्ष देश को आप ये साबित करना चाहते हैं कि ये देश सेकुलर देश नहीं है, ये आप कहना चाहते हैं कि ये धर्म का देश है, धार्मिक देश है, ये सनातन देश है, यहाँ पे सिर्फ जो है हमारे कम्युनिटी के लिए स्वर्ण के लोगों का है, ब्राह्मणों का लोगों का है, हिंदू तो कोई धर्म होता नहीं है, हिंदुओं को भी आपने छूद्रों को बना रखा है, बहुसंख्यकों को लॉलीपॉप दे रखा है, अपनी तरफ खींच रखा है, और आप बहुसंख्यक को दबा कर करके रखना चाहते हैं, अपनी हेकड़ी दिखाना चाहते हैं, यानी कि वही ब्राह्मणवाद वही सनातनवाद आप साबित करना चाहते हैं, कहीं भैंस कहीं मंगलसूत्र, कभी कहते हैं ये मुसलमानों को ये दे देगा वो देगा, मुसलमान को यहाँ का कोई आबादी नहीं है, मुसलमान को यहाँ का नागरिक नहीं है। तो इस तरह का सेकुलर देश में, धर्म निरपेक्ष में देश के प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व बहुत ही भोला नजर आता है, बहुत ही नीचता और बहुत निम्न दर्जे का माना जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये हमारा ये लोकतंत्र भारत का विश्व का बड़ा लोकतंत्र है, जिसको दो दिन में इलेक्ट्रॉनिक की जमाना है, दो दिन में खत्म हो सकता था, लेकिन ये 2 महीना किया गया, आज उसकी डाटा जब न्यायपालिका का हस्तक्षेप होता तभी डाटा देते हैं, कहते मेरी मर्जी, और आपने जो है जिनको आपको 2 घंटे में देने चाहिए आप 2-4 दिन लगाते हैं, और फिर जब आप पे दबाव बनता है, राष्ट्रपति का दबाव बनता है, तो आप जल्दी दे देते हैं। कल जहां प्रधानमंत्री का भी संसदीय क्षेत्र बनारस में होने जा रहा है, संसदीय क्षेत्र में अपने जो क्षेत्र का लीडर होता है उसको रहना चाहिए, वहीं पे हमारे सत हरिचंद्र का वहाँ पे अखाड़ा है, घाट है, आप सत हरिचंद्र बन करके जनता के बीच में रहना चाहिए था, मैं सत्संदेश हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं आपके लिए किया हूँ, मैं वो किया हूँ, मैं आगे करूँगा, लेकिन आपने क्या किया कि जनता जाए भाड़ में, जनता तो मुझे हरा रही है, मैं चला भगवान का
आसरा में और भगवान से लेकर के और अब जो है स्वामी विवेका के गुफा में बैठ कर करके भगवान से बात करूंगा कि इनको जो है बदल दो और जनता की मत जो इन्होंने दिया है उसको बदल दो और सब कमल के फूल में कर दो। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में जौनपुर में ट्रक के ट्रक जो है पकड़ा जा रहा है, आपका EBM और VVPAT पकड़ा जा रहा है, बदली जा रही है। तो ये आप क्या कहना चाहते हैं, ये नौटंकी नहीं है तो क्या है? सर एक सवाल कि ये चुनाव आयोग को लेकर क्या कहेंगे? चुनाव आयोग ने जब 16 मार्च को जब वो किया था, जब ये चुनाव की अधिसूचना दी थी उस समय उसने कहा था कि बहुत अच्छे से काम होगा, लेकिन चुनाव आयोग ने पहली बार आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन होने पर पार्टियों के अध्यक्ष को नोटिस भेजना शुरू किया है, न कि कैंडिडेट को। तो चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रहा है आप क्या कहेंगे उस पर? चुनाव आयोग को पारदर्शी होना चाहिए, जनता के हित में बात करना चाहिए, जनता के द्वारा जनप्रतिनिधि चुनी जाती है उसकी व्यवस्था को संभालने के लिए चुनाव आयोग होता है। चुनाव आयोग सरकार का नहीं होता, लेकिन ये क्या कहते हैं, सरकार मुझे सैलरी देती है, सरकार मुझे अपॉइंट करती है, सरकार की ही बात सुनूंगा। तो जैसे हम कभी CBI को तोता कहते थे, ये भी तोता बन गया है, जनता को उनको राहत नहीं मिलता, जनता की ये बात नहीं सुनते। कोई वकील अगर कोई पटिशन लगा दिया, कोई जज बोला, वो कहते हैं कि मेरी मर्जी। तो मेरी मर्जी वही कहता है जो निरंकुश होता है, तानाशाह होता है। तो इलेक्शन कमीशन चुनाव के मद्देनजर कहीं ना कहीं ये निरंकुश हो गई है, तानाशाह हो गई है, सरकार के पक्ष में बात करती है, जनता का हित और जनता की जो सेवा करनी चाहिए वो नहीं कर रही है। और ऐसी सूरत में इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था बदलनी चाहिए। सर मोदी जी को लेके क्या कहेंगे? मोदी जी ने जो इस पूरे चुनाव को महंगाई पे लड़ना चाहिए था, बेरोजगारी पे लड़ना चाहिए था, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पे लड़ना चाहिए था, तो अगर हम उनके भाषणों को देखें, पहले चरण के भाषण से लेके आज तक में लगातार वो मंगलसूत्र, मुजरा, भैंस छीन ले जाएगी, मैं परमात्मा हूँ, और फिर जो है उस तरह से लगातार अपने बयानों से अपने आप को केंद्र बिंदु में रखा है और मुद्दे की बात नहीं की है, और जनता भी लगातार इन्हीं मुद्दों में उलझी रही है, तो क्या आपको क्या लगता है कि मोदी जी काम की बात क्यों नहीं कर रहे हैं और जनता उनके इन मुद्दे पे कितना फंसी है, नहीं फंसी है, क्या कहेंगे आप? जल्लिश महोदय, इसीलिए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि मोदी जी प्रधानमंत्री के जो गरिमा है उनको गिराया है। आज जनता सब समझ गई है कि जिन्हें हम बहुत बड़ा कह रहे थे कि विश्व का बड़ा गुरु बनेगा, देश को शाइनिंग इंडिया देगा, देश को जो है 15 लाख देगा, 2 करोड़ नौकरी देगा, देश को बहुत कुछ आगे ले जाएगा, और ऐसा प्रधानमंत्री आज तक नहीं मिला, और इनको जो है विष्णु के अवतार तक कह दिया लोगों ने, अंधभक्तों ने। जब जनता ने इस इलेक्शन में इनकी भाषाओं को सुना तो जनता अवाक रह गई है। जनता जो है ना, उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं इनको इतना बड़ा कह रहा था, कि ये आदमी इतना गिरा हुआ कि जो आज रोजगार की बात नहीं कर रहा है, शिक्षा की बात नहीं कर रहा है, मणिपुर में महिलाओं के साथ जो दुर्भाव हुआ उसके लिए बोला नहीं, गया नहीं, हरियाणा में मरे और जगह मेरे UP में मरे, बोला नहीं, EBM में इतनी चोरी हुआ, EBM 19 लाख गायब हुआ, 40,000 EBM जला दिए गए उत्तर प्रदेश में, सारा गायब हुआ, इस पर नहीं बोल रहा, हमारे देश की सुरक्षा और रक्षा की बात नहीं कर रहा। हमारे जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने, सतपाल मलिक ने कहा कि जो पुलवामा का कांड हुआ वो मोदी ने कराया, तो उसमें भी ये खामोश रहे, कुछ नहीं बोल पाए। इन्होंने 10 साल तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, और उसके बाद आखिर में अपने चमचों, अपने अंधभक्तों के साथ बैठ करके बात के, मैंने 80 जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे होता है क्या? प्रेस फोन करना था इंडिया गेट पे करते, जंतर मंतर पे करते, प्रेस कलम में कर देते, कहीं और करते, बनारस में कर लेते, नहीं किया। आपने 4 को बैठा करके, आपने जो है 5-star होटल में बैठ करके, प्राइम मिनिस्टर PM हाउस में बैठ करके 2 जर्नलिस्टों से बात किया और कहा मैंने 80 डिबेट दिया, क्या राहुल ने ऐसा दिया, क्या वो ऐसा दिया? तो आपने राहुल को खाली गाली देते रहे, आप अपने जो काम किया देश में आपने क्या किया, जनता को आपने क्या दिया,
दिया, क्या आपने जितनी योजना परियोजना दिया क्या उसको फलीभूत हुआ, किसको कितना फायदा हुआ, कितने बेरोजगारों को रोजगार मिला, आपने बात नहीं किया। आपने क्या किया, आपने जो है नफरत पहुंचाई, आपने हिंदू मुस्लिम में लड़ा करके पोलराइजेशन कर करके अब ध्रुवीय वोट का विद्युतीकरण करके जो है हिंदुओं का वोट लेना चाहते थे, तो राम ने हाथ झटक दिया कि मेरे भाई मेरे को क्यों बदनाम कर रहा है भाई, बाकी ने कर दिया। आपको गंगा ने बुलाए थे तो गंगा माँ के पास रहना चाहिए था, गंगा माँ ने भी कहा मैं तेरे को गोद में नहीं बैठाऊंगा, तो अब खतरे में आ गए हैं कहीं बनारस से ना हार जाए, तो वो उन्होंने जो है समाधि ले ली है कि मेरे को बचाओ मुझे बचाओ। तो आज यही स्थिति हो गई है, जैसे राम जी जब रावण को मारने जा रहे हमने किया, तो इन्होंने भी वही कि मैं अगर एक नरेंद्र हूँ दूसरा नरेंद्र को मिला लूँ तो मैं डबल हो जाऊँगा और इनको हरा दूंगा और मैं सत्ता में आ जाऊँगा। तो ये खेल धार्मिक खेल हो गया है, ये जनता की खेल नहीं है, लेकिन जनता समझती है, जनता खामोशी से वोट दिया है। अगर ईमानदारी से इलेक्शन कमीशन ने ईमानदारी दिखाया, पारदर्शिता दिखाया, तो बीजेपी हार रही है, मैं कह रहा हूँ हार रही है 2023 से, मैं कह रहा हूँ हार रही है, अभी भी हारेगी चाहे कितना भी ये कुछ कर ले। और ये एन केन प्रकार तरीके से चोरी डकैती कर करके जोड़ तोड़ कर कर करके, और चूंकि विपक्ष में उतनी ताकत नहीं है, विपक्ष भी कहीं बिखरी है, विपक्ष भी कहीं बिक ना जाए क्योंकि बिकने के लिए भी बहुत लोग तैयार है उधर भी और इधर भी, देखते हैं कौन किसको खरीदता है, दुल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे, ये बाजार में हो गया है, ये बाजारू ये लोकतंत्र हो गया है। और इस बाजारू लोकतंत्र में हमारे हक अधिकार का, हमारा जो है आर्थिक आज़ादी का, हमारी सुरक्षा, हमारी महिलाओं की सुरक्षा का धत्ता बता दिया गया है। आज बीजेपी में तमाम 108 बलात्कारी जिनको संसद का उम्मीदवार बनाया गया है, कर्नाटका का रेणु वो जो है वो उसको भी जो है लाया गया है लेकिन उसको अरेस्ट होना है, लेकिन बाकी लोगों को आपने छोड़ रखा है। तो इस तरह का लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अच्छा हुआ कि इन लोगों ने 10-15 दिन पहले आवाज़ उठाई कि हमें लोकतंत्र बचाना है, हमें संविधान बचाना है, जनता साथ में आई। और यही वजह है कि कांग्रेस की संख्या बढ़ेगी, वो इनको बढ़ेगी और वो घटेंगे। अब ये मेरे को जहाँ तक दिख रहा है कि किसी एक की सरकार नहीं बनने जा रही, ये हैंग असेंबली बनेगी और ये मिलजुल करके सरकार बनी तो बनी, नहीं तो राष्ट्रपति शासन हो सकता है। मुझे डर है आपके चैनल से कह रहा हूँ कि 4 तारीख को शाम में ये इमरजेंसी लागू ना करा दे, ये कहे कि जा भाड़ में गया सारा इलेक्शन, बंद करो, मैं प्रधानमंत्री हूँ और राष्ट्रपति शासन लागू करो। सर आप मतलब समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं, आपने कहा कि 4 तारीख को हो सकता है कि रिजल्ट अगर बीजेपी के फेवर में नहीं आए तो वो राष्ट्रपति शासन भी लगा देंगे। जी हाँ, चूंकि तब तक प्रधानमंत्री ये हैं, जब तक प्रधानमंत्री दूसरा नहीं बन जाता, ओथ नहीं ले लेता, तब तक प्रधानमंत्री का जो कार्यभार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो 4 को रिजल्ट आएगा, आधा भी रिजल्ट आएगा कि मैं तो जा रहा हूं, तो आधा आता आधा भी नहीं सुनेंगे। तो सर आपातकाल लगाने के कुछ प्रावधान होते हैं, आपको नहीं लगता है कि उन प्रावधानों को ये धत्ता बताते हुए आपातकाल लगा देंगे? ये तो कह रहे हैं भाड़ में जाए, तभी तो ये पूजा करे, तभी तो भगवान से बात करे, करना क्या है मुझे, वहां से तार जोड़ रहे हैं। अच्छा सर एक और सवाल है कि बिजली गिराएंगे, बिजली गिरेगी, जनता जाए भाड़ में, ये इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने दूसरी तरीके से लगाई थी, ये दूसरी इमरजेंसी लगाएंगे, ये बाय हुक एंड कुक लगाएंगे कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। जैसे केजरीवाल जेल में गए, जेल से बाहर छोड़ा गया, जेल के वो कहते मैं तो चीफ मिनिस्टर रहूंगा, मैं तो मुझे कोई नहीं हटा सकता, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपको हम राहत दिया है, लेकिन ये आके चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, जनता को बताया कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, और फिर 2 जून की रोटी खाने जा रहे, फिर इनके बीच में अतीशी जाएंगे पंखा जालने के लिए, फिर राघव चड्ढा, ये तो पार्टी गई, बाकी सारी पार्टियां जा रही है। तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं भी अहरा नेशनल पार्टी का एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मानवाधिकार का कार्य करता हूँ, बहुत कुछ जानता हूँ और समाज के बीच में रहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग बाय हुक एंड कुक सत्ता में बने रहने के लिए, और ख़ास करके इनके जो चाणक्य हैं, जो मोटा बाबा हैं, जो अमित शाह हैं, ये बहुत चतुराई के साथ ये कुछ भी करवा सकता है, कर सकता है। और 2 गुजराती सब पे भारी होने वाला है, जैसे आप कहते हैं 1 बिहारी 1 लाख पे भारी, ये 2 गुजराती सब पे भारी होने वाला है। और जो आज तक किसी ने नहीं कहा, मैं कह रहा हूं कि ये गेम 4 तारीख को ये जो है लगा कर सकते हैं, और कहेंगे भाड़ में गया मैं तो रहूंगा,
जैसे चाइना में, जैसे रशिया में, उन्हें कहा कोई नहीं मैं रहूंगा, ऐसा हो सकता है। सर एक सवाल लेंगे कि आपने नाम सुना होगा, चुनावी रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर साहब, तो उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं इस चुनाव में जो है इंडिया गठबंधन, कांग्रेस जो है भाजपा के चुनावी नारे में फंस गई कि चार अब की बार 400 पार, जबकि सरकार बनाने के लिए 272 चाहिए, तो 300 प्लस सीटें ला के भी इनकी सरकार बन जाएगी, तो इन्होंने जो 400 पार का नारा दिया था इनको फंसाने के लिए दिया था, और पूरा चुनाव में एक नैरेटिव ये 400 पार पर ही हुआ है, तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि जो वो कह रहे हैं सही है? ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए कोई भी व्यक्ति कहता है मैं जीत रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति कहता है कि मेरी पूरी थाली का खाना मेरा है, पूरा परिवार का जो है जो देग में खाना बना है वो मैं ही खा जाऊँगा, जबकि पूरी परिवार का होता है, पूरी जनता का मैंडेटी होता है। ये सब अपनी अपनी अपने मनगढ़ंत एक नेरेटिव बनाते हैं, एक उन्होंने जो है हेपोटाइज जनता को करने के लिए कि मैं तो इतना जीत रहा हूँ, मेरी तरफ दो, तुझी तरफ क्यों जा रहे हो, अपना वोट खराब क्यों कर रहे हो, तो ये जनता को बरगलाने के लिए ये 400 पार की नारा दिए। 400 पार की नारा खत्म हुआ, 370 की बात आई वो खत्म हो गया। अब प्रशांत किशोर चूँकि बीजेपी में वो अपना एक बिहार के मुख्यमंत्री की सपना देख रहे हैं, वो अपनी पार्टी को सपोर्ट करके कहाँ जाएंगे, तो वो अपनी एक जगह देख रहे हैं, तो वो अपनी भाषा कर रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, सभी अपनी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि 272 थी बीजेपी को और सपोर्ट में मिलकर 303 थी। अब बीजेपी की सब राष्ट्रों में 303 बीजेपी की थी और सपोर्ट मिलकर 353 हुई थी, पिछली बार की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, पिछली बार 272 बीजेपी की थी और सपोर्ट मिला करके 303 थी सारे टोटल। 300 अगर 62 हो जाते हैं तो 1/3 हो जाता है, तब तो कुछ भी कर सकते, विपक्ष तो खत्म ही हो जाएगा, फिर कोई भी कानून बना सकते हैं। तो ये जो कहा कि मुझे 362 भी आ जाए, 400 भी ना आए, तो मैं फिर कोई विपक्ष को नहीं मानूंगा और सबको जेल में भेज दूंगा और मैं जो है आजीवन 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल में रहूंगा, तो इनकी ये स्थिति, ये स्ट्रेटजी सब जनता जानती है, तो ये उनको मिलने वाला नहीं है। तो ये एक तरह से हिपोटाइज करने वाली बात है, लेकिन कैमोबेश सभी राज्यों में इनकी साख कमी है। इन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, जिस तरह का वक्तव्य दिया है, उससे ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता, उसका फायदा विपक्ष को मिला है। जो लोग बोलने नहीं आ रहा था, वो जिनको पप्पू कहा गया था, उनको अब वो जो है साहबजादा कहने लगे, बाबा कहने, उन्हें लोगों ने कहा, मैं थोड़ी कह रहा हूं, प्रधानमंत्री कहा साहबजादे, बाबा जिनको कहा पहले पप्पू, जैसे प्रधानमंत्री 2014 में वो सेवक कहा कि मैं सेवक हूं, फिर आकर के 2009 में कहा मैं चौकीदार हूं देश का, और फिर 2024 में आके कहा कि मुझे तो परमात्मा ने बुलाया, मैं तो परमात्मा का हूं। तो ये वक्तव्य बदलना जनता को लोकतंत्र में सही नहीं है, और विपक्ष भी चूंकि मजबूत ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन जोर लगाया है, अच्छा आगे बदला है, उन्होंने कुछ मुद्दा भी लेकर के सही सही आए, जबकि इधर मुद्दा नहीं है, तो मिला जुला के खिचड़ी बनने वाला है। और ये खिचड़ी में जो हमारे संविधान और जो हमारा इलेक्शन कमीशन में कहीं ऐसा नहीं है कि आप दल बदलू नहीं कर सकते, तो ये दल बदलू जो का नारा है, ये जो दुल्हा बिकने वाली बात है, तो यहाँ बिकेंगे। अच्छा एक आखिरी सवाल, हालत में जब बिकेगा तो उनके पास पैसा ज्यादा है, उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, उनके पास इस वक्त सत्ता है, उनका ज्यादा सीट आएगा, उनको ही जो है उनको फ्लोर टेस्टिंग में उनको मौका मिलेगा, फिर वहां पे ये गेम खेलेंगे, और 272 अगर बीजेपी ने जोड़ लिया तो मोदी फिर प्रधानमंत्री बन सकते। सर 4 जून को जो है सरकार वो रिजल्ट घोषित हो जाएगा, सर क्या लगता है कौन, अगर 2-3 बड़े नाम लेने हों आपको जो कि किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे, क्योंकि अब चुनावी विश्लेषक ऐसा कह रहे हैं कि एनडीए की ओर से भी कुछ दल इधर उधर हो सकते हैं और जो इंडिया गठबंधन में भी ऐसा हो सकता है, तो सर अगर आपको कोई 1-2 नाम लेना हो जो कि किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं 2024 में, तो आप किन का नाम लेना चाहेंगे? देखिए जर्नलिस्ट महोदय, 2 जून को ही, 4 जून को तो रिजल्ट आएगा, 2 जून को ही कौन किधर जाएगा ये तय हो जाएगा, और जहां एनडीए जिनके पास पैसा है पावर है अभी, उधर भी कई लोग जाएंगे, लेकिन वहां जो नाखुश लोग हैं बहुत सारे लोग वो भी इधर आ सकते हैं, तो उनकी भी तोड़फोड़ तो होगी, और तोड़फोड़ की हालत में
अगर जो 272 पूरा कर लेगा, जैसे प्रशांत किशोर ने कहा या प्रशांत भूषण जी ने कहा या यादव जी ने कहा, बड़े बड़े लोग हैं जो एनालिसिस्ट हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, लोग कह रहे हैं अपने अपने तरीके से, तो वो ठीक है, वो लोग कह रहे हैं। हम लोग एक अदना सा एक मानवाधिकार के आदमी है, हालांकि मैं भी एक पार्टी का, मैं अपनी पार्टी की पक्ष लेना चाहूँगा लेकिन नहीं ले रहा यहाँ पर, चूँकि मेरी कोई पार्टी भूमिका अदा नहीं करने जा रही। तो उस हालत में बीजेपी अगर 240 भी ले आती है और उसके सहयोगी 25 ले आते हैं तो मिला जुला के बीजेपी की सरकार बन सकती है। लेकिन अगर बीजेपी 200, जैसे कुछ लोगों ने कहा कि 200 या 190 में अटक जाएगी, लेकिन अगर 190 और 200 में अटक गई बीजेपी, तब फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अब वहाँ पे जो 2 तारीख को खड़गे साहब बुलाए हैं कि हमारे बीच में प्रधानमंत्री कौन होगा, तो 2 तारीख की फिर लड़ाई होगी, 3-4 को रिजल्ट आएगा, मैं बनूंगा, और फिर वो भी खरीद फरीक होगा, इधर से उधर दर बदलू होगा, और उसके लिए चाणक्य जी जो बैठे हैं, मोटा भाई बैठे हैं, कोई भी आ जाओ, बलात्कारी हो, भ्रष्टाचारी हो, बदमाश हो, गुंडे हो, आओ तुम्हें मिनिस्टर बनाएंगे, तुम्हें 100 करोड़ दूंगा। उसमें इलेक्शन कमीशन बेचारा क्या करेगा, वो कहेगा तो मैंने तो चुनाव कराना था, देखो शांतिपुर से करा दिया, अब तुम लड़ो भिड़ो जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, कहीं जाओ, अपने लड़ते रहो। तो ये, और जनता फिर वही भोली की भोली, वही मांग, वही धरना, वही प्रदर्शन, वही उनकी दे दे माई, आज एक दिन तो इनको मांगा, ये सब भाग गए, कहेंगे जी मैंने, तुमने नहीं बनाया, मुझे तो भगवान ने बनाया, मैं तो अब मैं अपनी मर्जी करूंगा, तुम सबको जेल भेज दूंगा, मैं वन नेशन वन इलेक्शन कर दूंगा, मैं ये कानून बदल दूंगा, वो बदल दूंगा, एनआरसी लाऊंगा, सीए लाऊंगा, सब कुछ करेंगे, तो अच्छी बात है। तो ये लड़ाई होगी, तो भाई उधर बने चाहे इधर बने, मानवता को हमें लाने के लिए दुआ की जरूरत पड़ेगी, तो दुआ मानवता के साथ चलेगा, अहराब भी आएगा और एक नया समीकरण बनेगा और हमारी फूल खिलेगी। चलिए, आपको शुभकामनाएं, और आपने हमसे बात की उसके लिए सर धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपने सुना दुआ साहब को, जो कि अहरार पार्टी के अध्यक्ष हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड हैं। तो हमने इनसे हर मुद्दे पर बात की और 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, उसमें कौन कौन जो बड़े नेता है वो मुख्य रोल निभा सकते हैं, इन्होंने अपनी राय रखी है। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, जनहित आवाज़, धन्यवाद।